तो एक मतला और कुछ शेर अर्ज करता हूँ कि ये दिन गुजरे भला कैसे तुम्हारे, ये दिन गुजरे भला कैसे तुम्हारे, हमें आते रहे सपने तुम्हारे, और खुदा तुमको हम ही ने था बनाया, खुदा तुमको हम ही ने था बनाया, उठाएंगे हम ही नखरे तुम्हारे। और एक शेर देखें कि है मुमकिन हाथ रुक जाए छुए बिन, है मुमकिन हाथ रुक जाए छुए बिन, बशर्ते बाल ना बिखरे तुम्हारे, है मुमकिन हाथ रुक जाए छुए बिन, बशर्ते बाल ना बिखरे तुम्हारे। मेरी टी शर्ट पर अब भी सजे हैं, मेरी टी शर्ट पर अब भी सजे हैं, मेरी जहाँ होंठ के नक्शे तुम्हारे, मेरी टी शर्ट पर अब भी सजे हैं, मेरी जहाँ होंठ के नक्शे तुम्हारे। एक मतलब और से देखिए कि इतना गुस्सा भला क्यों, इतना गुस्सा भला क्यों पास आओ, इतना गुस्सा भला क्यों पास आओ, मेरी आंखों में देखो मुस्कुराओ, इतना गुस्सा भला क्यों पास आओ, मेरी आंखों में देखो मुस्कुराओ, मेरे नज़दीक बैठो बांह पकड़ो, मेरे नज़दीक बैठो बांह पकड़ो, अपने सब दोस्तों के दिल जलाओ, मेरे नज़दीक बैठो बांह पकड़ो, अपने सब दोस्तों के दिल जलाओ। और एक संगीत शेर सुनिए कि तस्वीर दिखाकर पूछा कैसी है, तस्वीर दिखाकर पूछा कैसी है, मेरा सौहर है जोड़ी कैसी है, तस्वीर दिखाकर पूछा कैसी है, मेरा सौहर है जोड़ी कैसी है, अब जब भी उस लड़की की याद आती है, अब जब भी उस लड़की की याद आती है तो दिल जलता है सिगरेट जलती है। और देखिए कि खा गई जब ये बेखुदी तुमको, खा गई जब ये बेखुदी तुमको, याद आई है तब मेरी तुमको, खा गई जब ये बेखुदी तुमको, याद आई है तब मेरी तुमको, गम से हारे तो खुदकुशी कर ली। शेर सुनिएगा कि गम से हारे तो खुदकुशी कर ली, याद आएगी जिंदगी तुमको। और वो शेर थे तरन्नुम में गाना, पहली बार लिखा कुछ तरन्नुम में, ट्राई करके सोचता हूँ कि तेरे जाने के बाद क्या होगा, तेरे जाने के बाद क्या होगा, बावला बाल नोचता होगा, तेरे जाने के बाद क्या होगा, बावला बाल नोचता होगा, तुम जिसे मिल गई हो किस्मत से, तुम जिसे मिल गई हो किस्मत से, वो तेरे पाँव चूमता होगा, तेरे जाने के बाद। इसमें एक शेर है कि उसने देखी है एक परी घर में, उसने देखी है एक परी घर में, उसने देखी है एक परी घर में, मैंने बोला कि आईना होगा। और शेर थोड़ा अलग देखिए कि हम लोग सब यूपी वाले हैं, आप सुल्तानपुर से, मैं उन्नाव से, कानपुर से, तो सुनिए कि मजनू नहीं जो इश्क में फोड़े थे अपना सर, मजनू नहीं जो इश्क में फोड़े थे अपना सर, लैला को छीन लेंगे एक कट्टे के जोर पर। बहुत शुक्रिया कि मजनू नहीं जो इश्क में फोड़े थे अपना सर, लैला को छीन लेंगे कट्टे के जोर पर, पैदल हैं एक रोज खरीदेंगे कार भी, पैदल हैं एक रोज खरीदेंगे कार भी, हम वो नहीं जो ऐश करे खेत बेचकर। एक मतलब सिर्फ देखिए कि मेरा लहजा है कि मैं किसी को बेवफा नहीं करता, बस अंदाजे बयां और है
कि हम सफ़र में सिर्फ रास्ता काटते हैं, हम सफ़र में सिर्फ रास्ता काटते हैं, वो अगर वो साथ रफ्ता काटते हैं। और कॉल ही मेरा है चलिए काट दीजिए, कॉल ही मेरा है चलिए काट दीजिए, आप तो वैसे भी सबका काटते हैं। कॉल ही मेरा है चलिए काट दीजिए, आप तो वैसे भी सबका काटते हैं। आखिर में एक गज़ल और उसी मतलब उससे देखेंगे। साथ का मतलब होता है खुश, साथ एक होता है कि इस तरह रखा है खुद को साथ करके, इस तरह रखता हूँ खुद को साथ करके जैसे बंजर रखा हुआ बात करके, इस तरह रखा है खुद को साथ करके जैसे बंजर रखा हुआ बात करके, पहले अपनी आदतें डाली कहा फिर, पहले अपनी आदतें डाली कहा फिर, जा रही हूँ मैं तुम्हें बर्बाद करके, पहले अपनी आदतें डाली कहा फिर, जा रही हूँ मैं तुम्हें बर्बाद करके। मसले इतने थे जीवन में हमारे, मसले इतने थे जीवन में हमारे, रो न पाए हम किसी को याद करके। और से देखिए कि है यकीन अपने परिंदे पर अगर तो, है यकीन अपने परिंदे पर अगर तो, क्यों ना इसको देख लो आज़ाद करके। और शुक्रिया भाई। है यकीन अपने परिंदे पर अगर तो, क्यों ना इसको देख लो आज़ाद करके। और जीतना पड़ता है अपना हक यहाँ पर, जीतना पड़ता है अपना हक यहाँ पर, कुछ नहीं मिलता मियाँ फरियाद करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि जीतना पड़ता है अपना हक यहाँ पर, कुछ नहीं मिलता मियाँ फरियाद करके। गज़ल का मकता है कि खुद को रखता था मैं खुद मशरूफ़ राणा, मशरूफ़ मतलब बिजी, खुद को रखता था मैं खुद मशरूफ़ राणा, रोज़ लाता गम नए ईजाद करके। बहुत शुक्रिया।